लेकिन बाहर अरविंद तैयार हो लड़ने के लिए। क्या बात है मेरे दोस्त, बाहर करो मत। गर्दन पकड़ ली मैंने जानवर की और देखो इसका दांत देखना। ओ मुझे मत खाए काऊ टुकरिया है खा लियो। ये जानवर टुकरियन को दुश्मन है, भाई टुकरिया मारे अरविंद भैया जो भगवंते लड़े और काऊ ते नहीं बोले। यहाँ जानवर की पूछ आ गई होगी आप में। अरविंद बहुत सांस लेगी भाई, पहचान कर लोगे आप। पहचान करके ये बताना क्या है, ठीक है ना। डलिया पे आ जा, सांस लेके बता। अरविंद भैया करेगा पहचान। हाँ ये मेरी सांस ले रही है ना, ये गर्मी में आप रही है बहु बंदे के आइए। अरविंद काहे लिए नहीं, अरविंद कंपनी का समझी अम्मा लड़ाई करवाती होगी मोहल्ला में चुगली करके। अरविंद अम्मा की बात सही है, पर्दे में कोई पता नहीं है, बाल निकालने से देखने से पता चले। बोलो गलत या सही है, कह दो बाल निकाल दो। एक को निकाल दू, दोनों को निकालू, एक में बहू एक में जानवर, दोनों को बंद कर दूं मैं। तुम निकाल लेना अपने हाथ से, निकाल लोगे? अच्छा मैं निकाल लूं। इसमें बहू क्या, इसमें अरविंद और इसमें जानवर, ये हो गए। दोनों को बंद कर रहा हूँ। आया नहीं बोलो, नहीं बीच में ला ली। आया तुम बहू का मुंह देख लो, पहले पसंद कर लो बहू को। है ताली बजा दो, बहू आ गई अरविंद की बहू। ये मजाक मत करना बहू से अरविंद, बैठ जाओ। लुवाई मत कहना, बहु मत कहना, गुस्से हो जाएगी। क्या कहे हुए पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ी लिखी लड़की है, प्यार से बात करना। मैडम 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 सही हो तुम, सही हो तुम। क्या बात है अरविंद, चलो मेरे दोस्त सामने। ताली बजाओ, बहु आ गई अरविंद की। अरविंद अभी किसी को बताओगे नहीं भाई, नहीं जरा बात सुनो। अरविंद की बात का कोई यकीन नहीं करेगा, मेरे खेल में बैठे हो तुम। यूँ कहेंगे आदमी को सिखाया होगा, किसी दूसरे को सिखा दूं विश्वास हो जाएगा। है लाली ज्योति अयो बहन, देखियो जी जी क्या है, सही बताओ बहन क्या है इसमें। इसमें बहू है, नहीं झूठ नहीं, आपको राम कसम है, सत्य बोलो जो देखा। दो टोकरी है, दो डलिया है ना। हाँ। बस अपनी जगह पे हो जाओ। अरविंद आपने क्या देखा भाई, सत्य बोलोगे? टोकरी दो डलिया है, उल्टी है या सीधी है? उल्टी, मतलब उठाकर नहीं देखी ना। डलियों के नीचे मिठाई आ गई, डलिया में आगे से हाथ डाल के देख लो क्या है। झूठ नहीं बोलना, तुम ही देखोगे, पीछे वाला कोई ना देखे। है बैठ के अरविंद, मिठाई हो मिठाई बताना, शादी का सामान हो तो शादी का सामान। चला फिरी मत करो, लाख कट जाती है ऐसे चला फिरी से। उठाओ डलिया, क्या इसमें, और बैठ जा रहे चनूना। चनूना मतलब खाली है ऐसे, इसमें देखो लो अरविंद उसियारी से नाक कान बचा के। उठाओ और उठाओ, हो खाली है। चलो सामने, बस विश्वास के लिए तुम्हें डलिया दिखाई गई थी। है ताली बजा दो एक बारी जोर से जरा, बस थोड़ा ऐसे ताली बजा दो, ऐसा लगे अरविंद की शादी में बैंड वाले बज रहे का। थोड़ा जोर से अरविंद, सत्य बोलो तुम्हें मेरी कसम है, क्या मिला डलियों के अंदर? देखो मैंने आपको डलिया विश्वास के लिए दिखाई है, खेल में क्या है आदमी करते बाद में चुगली। बोलो करते सही है, अब कलाकारी शुरू करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक जवाब पूछ रहा हूँ, सही बताओ दहेज का सामान शादी में आधा चाहिए या पूरा? बिल्कुल ना चाहिए। नहीं नहीं अरविंद, स्टम शोरूम में बैठा है वो मनी निकल। तो अरविंद दहेज का सामान तुम लगाओगे कहाँ? घर में, मेरी पास। ये जनता देखने को आई है, बीच में जमा कर सबको दिखाकर घर पे ले जाना। बोलो गलत या सही है? चादर को बीच में बिछा दो, आप मत बिछाओ, आप दूल्हा हो, जब बिचौलिया बुला लेते हैं पास।
बिचौली शादी में बिचौलिया की जरूरत पड़ेगी राजा। एक भैया आ सकते हो अरविंद के पास, कोई भी छोटू तुम चले जाओ अरविंद के बराबर है। अरे यार वो तो में तो वो बैठे हैं, काजू तुम्हें बैठना है बस उनके बराबर, मिठाई बांट देना बस अपने हाथ से ठीक है। अरे भाई आप आ जाओगे तो मम्मी यार तुम ऐसे घबरा रहे हो। एक बात नया चलाया, दो मिनट के लिए पानू में से चप्पल उतार लेना, थोड़ी बोले महाकाल की सिद्धि लगाऊंगा मैं ठीक है। सत्य बताओ क्या मिला डलियो में आपको? दोनों डलिये भर गए, दहेज का सामान आ गया आपका, अब विश्वास है आपको? सही बात है, आपने देखा नहीं अरविंद। ड्रेस कौन सी मांगी थी अरविंद? शेरवानी। देश की मांगी थी विदेश की? विदेश की। विदेश की ले जाना, देश की नहीं पहनेंगे अरविंद, बढ़िया दूल्हा बनेंगे। हाँ बजाओ ताली, आ गई शेरवानी भी, आ जाओ मेरे पास शेरवानी ले जाओ आपके लिए अरविंद। पूरा पूर्ति में चला करूँ मैं, भैया के बराबर बैठ जाओ अरविंद। लियो चुर्र, ये कैसे बजाओ शेरवानी आ गई। नहीं नहीं आप समझे नहीं अरविंद, सच बोलो, पुराने लोट हजार हजार के बंद हो गए, चल रहे वो शेरवानी बंद कर दी सन 2023 से, जो विदेश में चली है नहीं। ये अरविंद बेड के कुन्ना पे रख देना अरविंद, अभी मत पहनना इसे, बारात के टाइम पे पहनना है। और शेरवानी की कोटी भी आ गई, फटा ब्लाउज अरे मतलब जो पसंद नहीं आए। चलो तो कोई बात नहीं अरविंद, मुझसे मने कर देना मैं बढ़िया मना दूंगा ठीक है। तो ऐसे ही पहन लोगे जींस में, फिर शेरवानी मत लाओ भैया, दूल्हा को पसंद नहीं है जींस में ले आओ। अरविंद मंत्र बोल के आ गया मेरे राजा मेरे पास, नो कह दो छोड़ रो छोड़ रो हां जी मंत्र जा बैठ जा अरविंद, ताली बजा दो लो आए गए लिया। ओ नए कपड़े करके लाइन से लगाओगे अरविंद ठीक है। शादी हो रही है तुम्हारी, शादी में अगर कोई कमी रह जाए तो मुझे बता देना और मंगा दूंगा सामान, अलग अलग करके रखोगे अरविंद, कपड़े पे कपड़ा मत रखना है ऐसे ही। आ जाओ अरविंद, सही है मेरे भैया? हां भैया है, क्या बात है मेरे दोस्त। नहीं लियो ले, अरे आ रहा है तेरा नाम। मम्मी को आई साड़ी, सबकी फरमाइश पूरी करी जाएगी। अरविंद जल्दी एक एक करके राजा दरवाजो सजाइयो, चादर से लाइन से लगाइयो मेरे भैया है। नहीं दहेज पूरे ही मिलेगा भैया, लेके आओ एक एक करके लगाना लाइन से दरवाजो सजे। जगह कहाँ है? नीचे लगा तो धरती में चादर से मिला के। जिंदगी में पहली बार कछु काम कर रहा हूँ। नहीं ले गया, आ जा अरविंद। नहीं माता लेके आ, पूजा मैं पूरी कर दूंगा, सामान में कमी नहीं रहनी चाहिए, शादी का सब सामान। अरविंद को बात पूछूंगा, सामने जाके बैठ, कुछ आदमी खेल में अरविंद बाद में आए, सच बताना आपको राम कसम है, शुरू में दिखाया था क्या देखा था आपने? चुनाव टोकरी तो ये सामान देखा था। गाली का देखा था तुमने टोकरी? देखो मेरी एक बात सुनो, ये कोई कलाकारी नहीं है अरविंद, ये छोटा मोटा बर्तन कपड़ा सामान में कहीं भी रख लूंगा, कहीं भी छुपा लूंगा, मेरे मुंह पे नहीं कहेंगे, आदमी पीछे भी चुगली करेंगे, मेरे को लगता है। शादी ब्याह में मेन बर्तन होते दरवाजे के, और बड़े बड़े पानी भरने के भी चल जाते, बोलो चलते या नहीं? अगर जानते हो आप नाम बर्तन का बताना, आप नहीं जानते हो तो बरातियों से पूछ लो दरवाजे पे कौन कौन सा बर्तन होना चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए। डेग रखते हैं, डेग डेग नहीं, वो जो डेग होते हैं ना बड़े बड़े वो, हाँ हाँ वही।
मैं अपने बेटे की कसम यहाँ पे सब मंगा के दिखा दूंगा। पर देखो मैं आप सब लोगों के हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूँ, कुछ बर्तन आएंगे दुकान बाजार से, कुछ बर्तन आएंगे किसी के घर मकान से, किसी का भी बर्तन यहाँ पे उठ के आ जाए पहचान लेना, पर अपने दिल में रखना, बीच में कोई टोकना नहीं। ये मत कहना जी हमारे घर से आ रहा है, किसका आएगा इज्जत से वापस हो जाएगा, किसी का रुकेगा नहीं। देखो टोकने से मेरा खेल बुलाएगा, मैंने हाथ जोड़ा टोकन से ना भी खेलते करे, छोटे बड़े हाथ बोल दो सब हाथी ना दूंगे कलाकारी को। ये हमारी प्रेम शिव लोग महादेव बाबा की जय। और दे ये मतलब उनके लिए लगन टीका हो जाओ, जा मैं हां आ जाओ पराता है इस तरह की पराता है लगन की तरह के आते मिठाई बांट देंगे तुम दुगड़ा, तुम्हारे हाथ से मिठाई नहीं बांटेगी, मिठाई कोई दूसरा बांट सकता है। कोई आ जाओ खाली दिखा दो के लिए है कितनी आ गई है, तुम चलो सामने अरविंद, मैं पहले भैया को दिखाऊंगे हम यकीन दिलाएंगे मिठाई आई है या नहीं आई है। एक भैया कोई भी आ सकता है, देखकर चले जाना बस, खाली विश्वास के लिए दिखा रहा हूँ बस, देख के अपनी जगह पे हो जाना, खेल नहीं बुलाऊंगा आप भाई एक मिनट को आ सकते हो भैया, देख क्या सोना, अरे खाली देख कर चले जाना यार, हमें देख रही तो है, अरे बंदर ना डर रहा, तू क्या डर रहा है, वो तो पूरा खेल में कर रहा है। एक बाल्टी तलसा सागर गिरास मिठाई महिला के बता दो सबको कितना माल आ गया, सौरभ डलिया है, डलिया है, उल्टी है सीधी है भाई उल्टी है, उन्होंने डलिया उठा के नहीं देखी जो के नीचे रखी है, मिठाई के तो निकाल लो, मिठाई निकाल क्या नाम बताता तुमने अपना, अरविंद, मिठाई मैं निकालूंगा बच्चों को दोगे एक एक पीस, बड़े आदमी उनको दो दो, अगर कोई डुबरिया हो तो आधो आधो। गर्मी का टाइम है अरविंद, कोई डुबरिया ज्यादा खाए के चढ़े खेलवाड़े मार गए नाम लगी जाएगा भाई, ताली बजा दो मिठाई आ गई शाम, ताली बजाओ आए गई आई जी डलिया देखी थी भैया सोरा खूब मार दो अरविंद दोनों डलिए भर दे मैया, अगर खून की प्यासी है खून में आज अरविंद का बहुत खींच लूंगा, दे दो वो खून, बार बार बैठा मैं उठा रहे मेरा भैया भी तेरे से पहले अपना खून बांधूंगा, तो खाली मजाक की बात है, खून वाला कोई गलत खेल नहीं है मेरे पास, ऐसा कोई खेल नहीं करता हूँ, जो खेल वाले तो और भी आते हैं अपने संग लाते हैं छोटे छोटे बच्चे और बच्चों को बंद कर देते हैं डरियों में पाप बना देते हैं एंड में चप्पू चली मार देते हैं, चप्पू चली वालों कोई गलत खेल नहीं है, मैं कलाकारी अपनी पढ़े लिखे समाज में बड़े बड़े विद्यालय कॉलेजों में दिखाता हूँ, आज एक मजबूरी में खेल करना पड़ रहा है, सुबह स्कूल का प्रार्थना का टाइम निकल चुका है, कलाकारी से दिखाऊंगा तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, ठीक है डरिए भर दो, दोनों डलिए भर गई माल आ गया, कहते भर गई देख ली मेरी बातों में मत आया करो, देख कर बोला करो, ठीक है आ जाओ मेरे पास पहले देख जाया कर, जब बताया कर पहली मत बोला कर, शाबाश वाह भाई वाह, मैं जाकर बताओ कर आगे अभी नहीं भरी अरविंद, दलिया भरेंगी सबको दिखेंगी, नहीं भरेंगी तो किसी को भी नहीं दिखेंगी, अगर हिंदू के घर में इतना मर्यादा मानते हो ठाकुर जी को तो एक बार छोटे बड़े मिलके मेरे साथ गले से गला मिलाकर के करा दोगे, एक बारी प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, और दे ताली बजाओ, पी लोगे पेप्सी ईमानदारी से एक गिलास पी लोगे, तुम बता दो कितने पी सको, कोका कोला वे कोक कोका कोला पेप्सी मिल जाएगी पी लेंगे वहां पे जाओ, तो कोला पी जाओगे अपनी कसम सबके सामने जवान दे रहा हूँ, 1000 रुपया दूंगा इनाम का, नहीं पी भी तो 1000 रुपया फिर मैं तुमसे ले लूंगा, खा ले शीतल वाली परात के पास रख दो,
तमेड़ी देखो रोटी के बदले रोटी छोटी नहीं तो मोटी क्यों मेरे दोस्त तू बैठने में परेशान है उसी के यार है ना पहले तेरे बैठने को इंतजाम करूँ तो है तुम जल्दी खत्म करो जल्दी खत्म होने की बात नहीं है कलाकारी एक दिखाने जा रहा हूँ कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा जे सामान मंगा के अरखेर वाला दिखाता जे खेल तमाता तो तुम देखते हो साल तो साल में बोलो करतिया सही एक ग्यारह मिनट की सच्ची चमत्कारी देखना पर्दे के बाद और ऐसी कलाकार दिखाऊंगा बेटे की कसम के 2000 रुपये टिकट से देखने को नहीं मिलेगी लेकिन उससे पहले मैं तुम सबको एक बात समझाना चाह रहा हूँ देखो दो चार आदमी ऐसे भी हैं जो सोच लेते हैं भाई खेल वालों पे जादू होता है अरविंद जादू खेल वालों पे क्या मेरे माँ बहन भाइयों जादू तो पूरे भारत में कहीं नहीं है मुझे खुद जादू का शौक लगाता है ये खेल करना मेरा कोई खानदानी काम नहीं है मैं जाति से कोई मदारी नहीं हूँ एक जादू का ऐसा शौक लग गया जो खेल सीख के बैठा हूँ अपना घर मकान पढ़ाई लिखाई मैंने सब छोड़ दिया फिर भी मुझे भैया जादू नहीं मिला दुनिया कहती थी बंगाल में जादू है अपने बेटे की कसम बंगाल कामरू देश होकर आया हूँ माँ भी कोई जादू नहीं मिला मुझे क्या मिला है एक सबसे बड़ा इंसान का दिमाग जादू है दिमाग से बड़ा कोई भी जादू नहीं है बोलो कराते अरविंद एक दो साल मैंने अपने गुरु जी के चरण दबाए और ये बात तुम सब जानते हो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बिगड़ गुरु ज्ञान नहीं मिलता चाहे कोई भी काम हो बोलो कराते सी भाई दो साल अपने गुरु जी के चरण दबाए दो साल बोले बाबा की सिद्धि सेवा किया जब सना खेल पाया भाई अरविंद आज 11 मिनट के लिए जैसे जैसे सामान आ रहा है ऐसे ही एक महाकाल की छोटी सी शक्ति दिखाऊंगा तुम्हें पर्दे के बाद ठीक है और कुछ आदमी जो सोच रहे हैं कि खेल वाले इतने इतने छोटा सामान बर्तन बना रहे हैं कि जो रखड़ाए होंगे भाई इंसान मन में जरूर सोचता भैया यार लेकिन देखो कलाकारी ये कुछ भी नहीं है खेलना यहाँ पे पब्लिक नहीं है नहीं कलाकारी मेरे पास 5-5 घंटे की है जनता होती है तो मन करता है दिखाने को भी नहीं बाबा थोड़े बड़े बड़े आइटम लेके आओ चुनाव आ रही हैं भाभी बारी बैठी रही बाल्टी आ जा भाभी बाल्टी आ गई भाभी बाल्टी जरा बतलाने दो मेरे बाप अपने मोहल्ले बस्ती में कोई भी घर ऐसा है जिसमें जल नहीं है जल तो घर घर में ही है फिर भी इंसान गंगा जी को जा रहा है पाप धुलने गंगा में मेरी बात सुनो इस दुनिया में ब्राह्मण भी बहुत है लेकिन ध्यान रखना ब्राह्मण वही माना जाता है जिसमें ब्रह्म का ज्ञान हो ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं है तो ब्राह्मण ही किस बात का है दाढ़ी रखाने से कोई मुल्ला जी नहीं बनता कपड़े रंगने से कोई महात्मा नहीं होता सबसे पहले इंसान को आत्मा रखनी चाहिए इंसान गंगा जा रहा है इंसान के सिर्फ मन का विश्वास है एक मन चंगा खटोटी में गंगा और मन चंगा नहीं है तो गंगा में डूब डूब के नहाओ फिर भी कोई फायदा नहीं है जल कोई बुरा नहीं है जल सब पाके इंसान के मन का विश्वास सबसे बड़ा है बोलो हत्या सी भाई भगवान की ऐसी बात है अरविंद ये पत्थर को उठा के कहीं भी रख के पूजा कर लेना वही भगवान है भगवान तो इंसान के दिल में होते हैं माँ बहन भाइयों बस विश्वास से पूजा मानी जाती है मन में विश्वास होता है कभी जैसे घर घर में जले फिर भी इंसान गंगा जा रहा है ऐसी जो भक्त ऐसा चल रहा है घर घर में ही मंदिर है बोलो ऐसा नहीं अरविंद लेकिन सत्य बोलो भोले बाबा की सबसे बड़ी यात्रा कहाँ पे होती है उज्जैन क्या बात है भगवान की उत्तर के दोस्त देखो माँ बहन भैया इरादे रोज बनते रोज टूट जाते चाहे इंसान अमीर हो चाहे गरीब कितना भी सोच ले इरादे रोज बनते रोज टूट जाते अमरनाथ बढ़ी जाते जिन्हें महादेव बुलाते हर आदमी को नसीब नहीं है एक नसीब वाले को नसीब है सबसे बड़ी यात्रा अमरनाथ की एक 11 मिनट की शक्ति लगाऊंगा यहाँ पे अमरनाथ की तेरे मोहल्ले के अंदर हिमालय की चोटी पे 125 किलो चांदी का मंदिर बोले तो आज भी रखा मानता है चल रही है गहनी हो गए नाम तो सुना हुआ आज वही मंदिर जो धरती फाड़ के निकले यहाँ से प्रकट हो गए तुम सबको दर्शन देके जा तो बोलो कलाकारी पक्की पक्की मेरा तुम छोटे बड़ों से आदर का निवेदन है सम्मान दिया से अगर जो भोले महाकाल को मानती हो वो मानना अगर तू नहीं मानता हो तो वो दिल में घमंड मत करना क्योंकि इंसान की हकीकत ऐसी है कितनी ऊंचाई पर रहने वाला हो पर एक दिन कुत्ते की तरह मिट्टी में भरा हुआ ओए गपन ओ पकड़ियो उसको तू लेके क्यों आगे बढ़ रहा था मारा माचिए जा पकड़ना खेल दिखा रहा है गब्बर पर बांधा हुआ था बेवकूफ अरे वो वहां पे धूप लग रही थी उसको धूप में बांध रखा था कोई भरोसा नहीं है अरविंद इंसान को कम होता जाया साल भर का त्योहार आ रहा है मेरे घर पे दीपावली का ये त्योहार भी नसीब वाले मना पाएंगे नहीं आज तक किसने देखा पता नहीं किसके नसीब में त्योहार होगा किसके में नहीं होगा बोलो करते सी भाई एक अच्छा है बुराई जीवन में इंसान के संग जाती है माँ बहन भैया जैसा जीवन में कर्म करता है वैसे इंसान भोग पाता है लेकिन अमरनाथ की यात्रा जीते जी नसीब वाला कर पाता है आज मेरे बेटे की कसम 11 मिनट के लिए तेरे मोहल्ले के अंदर अमरनाथ वाले मंदिर के दर्शन करा के आऊंगा 11 मिनट की यात्रा होगी अगर मानते हो तो जयकारा दो प्रेम से बोलो भोले बाबा की जय गलियों पे आओ बाबा दो चार आदमी खेल कम देख रहे हैं तुम्हारी शक्ति की अजमाइश ले रहे
दो चार बर्तन इनकी पसंद के लाज हम चला कर मानी जाएगी। हाथ मना खोल दो छोटे बड़े सब से बताना भी क्या देख के गए थे अंदर आप। ये बाल्टी सागर गिलास फराब देखे थे अंदर, धनिया कोनी मैंने खोल के सबको दिखाई थी। भैया क्या देखा था आपने? देखो पढ़े लिखे इंसान भी हो मेरे खेल में, अपने दिमाग में एक बात सोचना, तुम्हारी ये जमीन में गड्ढा खोद कर नहीं बैठा हूँ, मेरे पेट में कुआ नहीं है जो तुम्हें निकाल निकाल के दिखा रहा हूँ। छोटा मोटा बर्तन कहीं भी रख लूंगा, छुपा लूंगा अरविंद, इसके इतने बड़े बर्तन में पेंट की जमीन नहीं छुपा लूंगा। बोलो गलत है भैया अरविंद, विश्वास करें कलाकारियों पे इनाम मिलता है बड़ा बड़ा। कदर करने वाले मेरी कला की कदर करते हैं, निपटने वाले नंगे मुंह छुपा के भग जाते हैं। जिसके घर में इज्जत नहीं वो दूसरे की इज्जत का समझेगा यार भैया। बोलो गलत है बरात उठा रहा हूँ पीतल वाली, पहले मिठाई मंगा भैया है, बराती भी बहुत देर से मिठाई का इंतजार कर रहा है, मिठाई दिया है काफी टाइम हो गया, पहले मुंह मीठा करा दिया सब बराती है अरविंद है। खोल के देखो जहाँ कछु आयो का ना आयो चा सामने देख लियो है माते देखो तो ना है वो कोई रेत पेत लगा दे को कछु लेकर मंगाऊं तो नहीं कर रही ना भाई ऐसे मत लियो को पहन लियो लियो आ जाओ ताली बजाओ। ओ भाई स्कार्ट बढ़िया स्कार्ट है यार रोज का काम है मेरी सच्ची चमत्कारी जब देखना 11 मिनट के लिए जो मंदिर हिमालय की चोटी पे लगा 25 किलो चांदी के अंदर आज वही मंदिर यहाँ पे आकर तुम्हें दर्शन देके जा हाथ में ना खोल के रखना सब ठीक है। परात को मिठाई से भर दो, एक परात होते कम पड़ेगी बाद में मंगा लेंगे। कौन सी मिठाई होगी काजू कतली मांगी सुंदर मांग रही है काजू कतली पहले खाएगा या बांटेगा मिठाई की परात तुम्हारे हाथ पे दूंगा, चाहे तो तुम अकेले खाना चाहे बांटना, जो तुम्हारा मूल्य बस्ती है तुम्हारे मन की इच्छा। मिठाई को झूठी करने से पहले मेरे भाई मंदिर पे पहले भोग लगाना, बोले के मंदिर का भोग लगना जरूरी है। बोलो गलत है भैया लगा दोगे ना? क्या चीज है हाथ में? हमारे तुम्हारे यहाँ मिट्टी है, बंगाल के अंदर आज भी इसको चुटकी बोलते हैं। शक्ति कभी इंसान में नहीं होती, शक्ति मंत्रों में होती है। बंगाल का मंत्र पढ़ के डलिया पे मारूंगा, जैसे मिठाई आई है आज 11 मिनट के लिए मन्नत वाले बाबा प्रकट हो जाएंगे। छोटे बड़े सम्मा बिन भैया मेरे संग मिलके जयकारा दोगे, जीवन का आधा सा दुख तो इनके जयकारे से दूर हो जाता है। सबसे बड़ी यात्रा नसीब वाले को नसीब है, जो तुम्हारी एक नसीब आ गए तुम्हारे मुहल्ले में 11 मिनट को बना रोक दिया करो, जब कोई परेशान हो गया बाद तुम्हें अगले बार पकड़ोगे अच्छा नहीं लगेगा। दर्शन कराने का वादा हुआ मानने वाले भक्त व्यक्ति मेरे दोस्त मंदिर आया जिसे वापिस पहुंचाऊं के पर्दा हटाकर सबको दर्शन कराऊं। मैं हटा दूंगे पर्दे को, तुम हटाओगे? मैं हटा दूंगा तुम हटा दोगे, छोटा सा बच्चा हटा देगा, लेकिन इस वक्त ये पर्दा ना मैं हटाऊंगा ना तुम हटाओगे, पर्दे को हटवाएगा एक धर्मी इंसान। मेरा खेल चल रहा है, मैं आपके आगे चल रहा हूँ, बोलो काहे के लिए? पेट नहीं होता कोई किसी का मोहताज नहीं होता। बोलो गलत है सही है? अपने पेट के लिए मांगू जा चला जाऊं, एक से मांगू सबसे, मेरा सवाल सबसे होगा। लेकिन भाई देख मैं किसी भागने वाले से कुछ नहीं मांगूंगा, जो नाम सुनती मेरे खेल में से मुंह छुपा के भाग जाए। भागने वाला इंसान अपना घर मकान छोड़ जाता वो समाज को मंदिर की इज्जत को का समझेगा, भागने वाले से नहीं। एक औलाद वाली माँ से, एक मेरी बहन से, एक मर्द भैया से क्या सवाल होगा? तुम्हारे बच्चों के ये काम की ताक 21 रुपया से कहा कोई दौलत सुनी मांगा क्या? मैंने 21 रुपया जय क्यामर रुपा, जय 21 रुपया, जय क्यामर रुपा, जय 21 रुपया। मानने वाला बोले महाकाल के चाहने वाला, एक इंसान मुझे 100-200 रुपए दे देता मेरी कलाकारी में मंदिर के दर्शन करने के लिए।
अब देखूंगा कौन सी औलाद वाली माँ का, कौन सी मेरी बहन का, कौन से भैया का हाथ ऊंचा होगा। क्या सबसे पहला दान हम देना चाहते जिससे सामान आ जाए। ऐसे ये पर्दा हटा के तू मंदिर के यहाँ पे अमरनाथ के दर्शन करा दे। आज मेरी तरफ से ताली बजा तू मेरी समाज में। ये कोई औलाद वाली माँ, ये कोई मेरी दीदी बहन, है कोई मेरा भैया जो कहना चाहता है के लिए भाई आज पहला दान मंदिर का हम देना चाहते हैं। ताली बजा देख लो सबसे पहला दान मंदिर का मेरी माँ ने निभाया समाज के अंदर। माता रानी तेरे परिवार को बना, अम्मा बाद में ला दियो, मेरी माँ भी बैठ गया है, बाद में ले आना दर्शन करके, जैसे घर से लाना वो बाद में मंगा देना। देखो माँ बहन भाइयों, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने जो मंदिर का दान लगाया सबसे। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे दान देने को नहीं है, घर से जो लाना चाहते हो अभी मत जाना, वो अपना हाथ उठा दो, बाद में ला देना घर में। देखो मेरा सवाल, अच्छा मेरे भैया क्या बात है सौरभ भाई, ताली बजा मेरे भैया के नाम। देखो मेरा सवाल एक सही है माँ बहन भाई, कब से मंदिर का दान सोचा बेचारी मत करना, 20 किलो का नहीं है जो तो दान धर्म में। अभी कोई बीमारी आके पड़ जाए तो एक झटके में लाखों निकल जाता है हमारे हाथों से, हर बीमारियों में। जिस माँ बहन भाई पे है वो मुझे दे रहा है, जिस पे नहीं है तो वो तो घर से लाके दान करेगा। लेकिन कोई माँ बहन भैया अपना दान दे रहे हो जे पैसे पे, बोले बाबा की सत्ती मेरी भक्ति को मत जमाना, मैं अपने बेटे की कसम पैसा इतना कमाता हूँ कि मेरे बराबर तो सरकारी आदमी नहीं कमाएगा। अगर मुझे यहाँ नहीं मिलेगा तो आगे मिल जाएगा, मेरे नसीब का हर जगह मिलता है मुझे। बोलो रहते हैं भैया, जब मैं इतना सामान बनाना जानता हूँ, अमरनाथ के मंदिर के दर्शन कराना जानता हूँ, मैं किसी का छोटा मोटा काम भी बनाना जानता हूँ, यार मेरी क्या औकात है। काम बनाने वाले सिर्फ महादेव माँ का है, किसी की दुआ लग जाती है। इन भैया को अपना दान करना है, पांव से चप्पल जूता उतार के मन में कोई अच्छी दुआ सोच के मंदिर में चल के अपना दान अपने हाथ से करना। बुरा मत मानना, दुआ चल के मिलती है, घर बैठे लखपति को दुआ नहीं है। बहुत बहुत बड़े पैसे वाले इस दुनिया में, अगर घर बैठे यात्रा कबूल हो जाए तो कोई यात्रा करने नहीं जाएगा। भाई दान जिसको करना है अपना दान अपने हाथ से चल के करना मंदिर में, जो चल के आता है वही दुआ पाता है। एक 11 मिनट के लिए आएंगे, 11 मिनट के बाद इसी वापस हो जाएंगे, और दुआ मांगने वालों को दान लाने वालों को बहुत है 11 मिनट भाई, 11 मिनट रुकेगा जो मंदिर यहाँ पे देख लो माँ बहन भैया, 11 मिनट की यात्रा से माइक में चिल करेंगे। आज अमरनाथ वाले मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, अपने हाथ से मंदिर में दान करूंगी, बड़ी खुशी होगी मुझे, ठीक है, मंदिर में अपने हाथ से चल के। 21 रुपए किन्ने दिया था, चलिए पकड़ लो मेरी, ये खाना जाएगा नहीं खाएगा, छोटू सा है वो, दांत नहीं है उसके मुंह में, है तो सही लेकिन छोटे हैं। दुआ करो बोले जिस गांव बस्ती में आते हो आबाद कर जाते हो, आज दुआ कर इस मोहल्ले बस्ती के लिए भी, जे भी तेरे मानने वाले इंसान है सब मानेंगे। माँ बहन भाइयों से हाथ जोड़े का निवेदन है, आप दर्शन करके कोई माँ बहन भाई मुंह फेर के घर जाके नहीं बैठना, ये किसी के भाई घर मांगने तो आऊंगा नहीं, मुझसे मुझ पालोगे भगवान से कभी मरने के बाद ही मुंह छुपता है, इन्हें ठुकराने वाले जीवन में ठोकर ही खाते हैं। तो लोग रहते हैं फ्री मेरे भैया। एक बार प्रेम शुरू करो महादेव बाबा की जय। देख लो आज ऐसा मंदिर आ रहा है तुम्हारे मोहल्ले के अंदर, इस मंदिर के दर्शन करके एक चलता फिरता इंसान भी इसको देख के इसके दरबार में इसकी यात्रा में आ जाता है, क्योंकि तो जिंदगी में यूं कहते हैं हर तीरथ बार बार और गंगा सागर पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, जैसा इंसान का गुरु होता है ऐसे ज्ञान इंसान। प्रेम से बोलो महादेव बाबा की जय। ओ मेरी माँ जो बहन भैया मानते हो, मेरे पिता नहीं है दुनिया के जगत पिता ही है, पूरा संसार मानता है मेरी माँ बहनों। जिन आत्माओं से आप लोगों ने दर्शन किए, जिस मेरी माँ को जिस बहन भैया को दान करना है, टेम सिर्फ 11 मिनट का, मंदिर में आने वालों को दान करने वालों को 11 मिनट है, पांव से चप्पल जूता उतार के दान अपना चल के अपने हाथ से करूंगी। अब आ जाओ कम्मा बहन भैया, जिस पे यहाँ नहीं है वो घर से ला सकता है, 11 मिनट दिए मैंने, जे 20 रुपया 20 किलो का नहीं है माँ बहनों, यकीन करना इतने बड़े दर्द करके, और जे ऐसा टाइम चल रहा है दो चार दिन में साल भर का तुम्हारा रहा लाखों का तो मना दो से ये मंदिर का दान करने में कभी गरीब और रेंदम का कुछ लेने गई लिया लेने गई का दीदी ऐसे परेशान है तुम्हारे मोहल्ले में अपनी कसम मंदिर का दान देने।
ताली बजा मेरी मैया ने जिंदगी के अंदर के दानी धर्मी मानने वाले जरूर आते हैं इनके मंदिरों में, और एक दानी धर्मी कहीं मिल जाओ दान में जाता है, नहीं सूम आदमी की कमाई कभी दान में नहीं जाती है। सूम आदमी ऐसा होता कितनी दौलत कमा ले, वो सूम की कमाई ऐसी है ना, खाएगा ना खिलाएगा धरती में भाई गाड़ के दौलत मर जाएगा, गलत है तो वो दान क्या कर पाएगा जीवन में, एक दानी धर्मी जीवन में दान निकाल पाता अपने। देखो मंदिर की विदाई कर दो, अरे काकू नहीं आ पाई, आ रही है जल्दी आ, बैठो नहीं जा, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी दिखाने हैं। सबसे पहले मंदिर की बधाई कर दो, बधाई है रही जल्दी कर, चले यहाँ पे मैंने पहले बोला था मंदिर की बधाई चली आई लाल चला ले मेरी दस सब नहीं मानने वाले जरूर आएंगे इनके दरबार के। एक बात सही बता रहा भैया, मंदिर की विदाई अकेले होती है या मिलके की जाती है? बाबू जी सुना ली गई, मंदिर की विदाई में मिलके होती है और नसीब वाले शामिल होते हैं मंदिर की विदाई में, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज होती है लगे तो ये मिट्टी राख लग जाती है, लाखों में आग लग जाती है, किसी की दुआ लगती है भैया किसी की दवा। आज बोले की विदाई के अंदर यहाँ पे मैं सात व्यक्ति शामिल करूंगा, के व्यक्ति इसको बुला लो, सातों व्यक्तियों में सबसे पहले मंदिर की विदा में अपनी माँ को बुलाऊंगा, मेरा बेटा हुआ मंदिर की विदा में शामिल कर रहा हूँ, आएगी मेरी माँ खड़ी होके, हाँ मैं आपसे कह रहा हूँ अच्छे दुआ सोच के आएगी मन में मेरी माँ, आज बेरा पार होकर जाएगा मंदिर की विदा में हर आदमी शामिल करूंगा, ये भी जानती हूँ नसीब आपको मिलती है जीवन में, एक मेरी भैया आ जाएगी अरविंद, चलो तो दुआ मन में सोच के बैठना, मंदिर की कसम उतारू बेरा पार होकर जाएगा, सच्ची आत्मा से दुआ सोच के बैठोगे सौरभ आ गए मेरे दोस्त, चप्पल उतार के सारे बजा मेरे सौरभ भैया कहेंगे गुरु आज मैं आपका बेटे देता मंदिर की विदा में शामिल कर रहा हूँ, नसीब से इंसान हुआ माता जिंदगी में आगे आ जाऊंगा पूजा मन के विश्वास से मानी गई है, चाहे सात समंदर नालो तब इंसान पाक नहीं है जब मन साफ नहीं गलत है भैया, जी चप्पल उतार चलो बताओ बहन तुम आ जाओगी एक मिनट को, जी ताली बजा मेरी बहन के नाम की, नहीं बैठ जाएगी मेरी माँ बैठ जाओ, बोला यार तो नाम भूल गए सातों व्यक्ति आ गए ठीक है, सातों व्यक्ति अपने हाथों की मुट्ठी को बंद करके पूरी अच्छी दुआ अपने मन में पूछना, और जो दुआ सोचो वो मन में सोचोगे, मन की दुआ को खोलोगे नहीं मिला, एक बंद मुट्ठी लाती है खुलगी तो खाती, और मेरी एक बात और याद रखना सौरभ, इंसान के जीवन में सुख दुख सब आते हैं, लेकिन दुख कभी कितना भी आ जाए सामने वाले इंसान को मत बताना कि हमें ये दुखी, इंसान कोई दुख दूर नहीं करता है, आज के वक्त में गरीबी की मजाक और बना देता है, गलत है अरविंद, कभी भी मांगो तो भगवान से मांगना, जिसकी लीला ठाकुर जी ने बिगाड़ दी तो कोई नहीं बना सकता है, बनाने वाले भी बिगाड़ने वाले भी, इनके यहाँ देर है अंधेर कभी नहीं है, मुट्ठी नहीं होती सातों व्यक्ति अच्छी दुआ मन में सोच के रहोगे, अब आ जाओ खड़े होके मंदिर की बिगाड़ कौन सा संकट परेशानी लगाया दूर करना निका बनेगा काम तो आपको योगा माता दुनिया में नाम आज कर दे सच्ची आत्मा से मेरा पास प्रेम से बोलो भोले बाबा की जय बोलो शंकर भगवान की जय। एक बात का जवाब पूछूंगा अरविंद कहते अपनी आई कास्ट जाटो चौधरी साहब, एक बात का जवाब पूछूंगा, समाज छोटी हो चाहे बड़ी हो समाज समाज होती है, और देखा जाए समाज की इज्जत भगवान के नाम के बराबर होती है, बोलो गलती होती है, समाज के अंदर सच बताओगे ये पैसे का नाम बड़ा होता है कि मर्द की शान बड़ी है, शान से ज्यादा शान की कीमत है, दाम नाचने वाली आएगी वो कमा ले जाएगी हम तुमसे ज्यादा कमा लेंगी, लेकिन एक इज्जत और नाम समाज में सिर्फ मर्द कमा के जीता है, अरविंद गलत है या सही है, अभी हम तुम यार दोस्ती में चले जाए इन हाथों से 2-4 हजार खर्च करके आ जाएंगे, मानने वाले ऐसे ऐसे दिलदार पड़े कि अकेले मंदिर के लाखों को भंडार कर देते हैं भैया, मैं सोमवार वाले दिन सिर्फ महीने में एक बार 21 कन्या खिलाता हूँ जितनी मेरी औकात है, और मेरी क्या औकात है आप जैसे माँ बहन भैया मेरी मदद करते हैं, इंसान कितना ही बड़ा पैसे वाला हो जाए मरने के बाद घर में इतनी औकात नहीं है उसकी, एक 2 रुपए का धागा भी अपने संग ले जाए
चले तो मेरी तरफ मेरे दोस्त आज बोले कि विधायक के अंदर मैंने यहाँ पे सिर्फ 8 व्यक्ति शामिल किए हुए समाज में। आज 21 कन्या के भंडार में से एक 11 कन्या का दान मैं आप लोगों के समाज में लगाऊंगा। और सौरभ करने वाले दिलदारा के लिए निभा रहे थे मेरे दोस्त, क्योंकि कन्या ऐसी चीज जमा अपनों को दुनिया खिला देती है, जीवन पर खिलाना कितनी कन्या हो, एक परायु के दान करने वाला ही क्षत्रिय खिला जाता है। बोले बड़ा क्या सीखे आज मेरे दोस्त दूल्हा मंदिर की कन्या के भंडार में से 11 कन्या का दान बोलो तुमसे लगाऊं जब 8 व्यक्ति मिलकर निभाऊंगे। मैं तुम अकेले को जवाब नहीं डालूंगा, मैंने जब 8 व्यक्ति शामिल किए चौधरी तो मैं हाथों से सवाल करूंगा। बोलो क्या सही है और क्या दान मांगूंगा जो गरीब से गरीब मंदिर की विधा में दान कर देता कन्या के दान में। और आज सबसे पहला दान सिर्फ एक 2 कन्या का मैं अपने चौधरी साहब के हाथ से लगाऊंगा। प्रेम से बोलो महादेव बाबा की, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। अरविंद हाथ मिलाकर खड़े मेरे राजा, आज तुमसे सिर्फ एक 2 कन्या का दान लगाऊंगा समाज में, तुमसे निभाओगे राजा। आज मेरे अरविंद भैया से ज्यादा नहीं, आज भोले के मंदिर की विदाई के अंदर अपनी मर्द के शान के लिए 251 रुपए का दान होगा। प्रेम से बोलो भोले बाबा की जय। आत्मा हो तो अरविंद तेरा भाई हूँ, समाज के अंदर तुम्हारे हाथ से लगाया मेरे पहला दान, तो पहली विदाई तुम्हारे हाथ से लगाई। देख ले यार चौधरी करने वाले दिलदार तो पूरा भंडार के लिए निभा देते अम्मा, वो सबने चढ़ा दिए, मैं समाज में सबको शामिल नहीं किए। हाँ मुझे पता है चढ़ाए सबने चढ़ाए कि नहीं, नहीं सबको नहीं बिठा लिया मैंने समाज में। ओ अम्मा नहीं होगी मैया, अपनी तुम यकीन करना अपनी तो बहुत बड़ी समाज की बस्ती है, मैं गरीब आदमियों में झुग्गी वालों में कलाकारी दिखाऊं वो भी विधा में शामिल होकर बचन निभा देता कन्या के दान। अरविंद आज अगर 2 का नहीं बन पाए तो आज एक कन्या का दान हो जाएगा 2 रुपए का, एक का भी नहीं हो पाएगा। मैं बैठ जाओ कोई बात नहीं है दोस्त, कोई बात नहीं भैया, अरे चढ़ा दीजिए मेरे मन नहीं कर रहा, नहीं चढ़ा मैंने सबको बिठा दिया समाज में, दुखी मत हो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है मत ही दे, देने वाले अकेले पूर्ति कर देते हैं संसार आ जाते मेरी कलाकारी के अंदर। अरे मैया इतना बड़ा घर सब कुछ है भगवान का दिया, फिर भी नौकरी का इंतजार कर रहे हो जब भी दान होगा। माँ बाप औलाद के लिए कमाता हूँ, औलाद से मेरी दौलत नहीं है, जो औलाद के दान में काम नहीं आया 50 रुपए तो कहा रात की दौलत हो खड़े हो जाओ तो खड़े आओ, ज्यादा परेशान आदमी बिठा लिए मैंने आज अपने वो हिसाब कर दिया तुमने, आज के नाम बड़े और दर्पण छोटे हैं। भैया में 50 रुपया में तुम जब सोच गए हो कितनी बड़ी दौलत, अरे तो सब लांगे जो कुछ बनेगा। ऐसा टाइम चला द्वार का के मांगने वाला द्वार पे आया उसे 200 रुपए निकाल देता हूँ घर से। मंगा दो